सिंपल वाटर पे डाल के एब्जॉर्बन सेट करनी है। यहाँ से ये ऑफ, सबसे पहले इसको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने आप इसको जीरो पे सेट करना है। ये जीरो सेट पर जोर देना है, यहाँ से हमारे ये जीरो सेट हो जाएगा। यहाँ से ये जीरो सेटिंग वाला भी है, यहाँ से हम इसको जीरो पे ले जाएंगे। अब ये जीरो पे जा रहा है, यहाँ पर 0.5 इसको मुकम्मल जीरो पे ले जाएं। ये जीरो पे हो गया, उसके बाद इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर इसको 100 से सेट करना है। यहाँ पर ये इसका इसके दो कोर्स फोकसिंग का भी है, ये नॉब और फाइन फोकसिंग का भी है। ये पीछे वाला कोर्स फोकसिंग का, ये आगे वाला फाइन फोकसिंग का। अब ये 123 है तो हम इसको कोर्स फोकसिंग के पीछे ले जाते हैं 100 की तरफ। ये देखें ज़्यादा अच्छा, अब ये 100 की तरफ जा रहा है, ये 97.6 इसको फाइन फोकसिंग से हम 100 की तरफ ले जाएंगे। जब ये जूम ही 100 की तरफ आएगा, यहाँ पर हम इसको अब्जॉर्बेंस की तरफ लगा देंगे। बस ये 100 की तरफ इसको अब्जॉर्बेंस पे लगा दिया। उसके बाद दोबारा यहाँ पर हमने जीरो सेट करना है। ये 1 आ गया, इसका मतलब हमारी अब्जॉर्बेंस अब सेट हो गई है। इसको हमने छोड़ देना है। यहाँ से हमने टेस्ट ट्यूब निकाल लेनी, ये वाटर था। अब यहाँ से वाटर को सिंपल एडिट कर लेना, वाटर को हमें वापस डाल देना है। यहाँ से हमने रिएजेंट लेना है वापस। अब ये रिएजेंट हमने प्रिपेयर कर लिया पहले से, इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और इसके अंदर वापस। अब यहाँ से सिंपल इसके जवाब देखेंगे कितनी आती है। 2 से 3 सेकंड तक मैक्सिमली वेट करें या 1 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद जितनी एब्जॉर्बेंस आएगी वो नोट कर लें। अब इसकी एब्जॉर्बेंस आ गई हमारे पास 0.322। बस ये इसकी एब्जॉर्बेंस है, हमने सैंपल की एब्जॉर्बेंस ले ली। थैंक यू सो मच।